ये जगह पे कुछ भी हो सकता है। मुझे लगा कोई दौड़ दौड़ के आ रहा है, ऐसा साउंड हुआ। वो बंदा आ क्यों नहीं रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये पेट्रोल का वजह से ही हुआ है, जो भरवा है ना पेट्रोल उधर, उसके साथ साथ ही ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कैसे आया, कहाँ से पहुँचा मैं यहाँ पे। आई बटन पर वो व्लॉग मैंने ऐड कर दिया है। लोंगेवाला पहुँचने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ आपको। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था। बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान। तो उस टाइम पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत जुल्म किया था, ऑलमोस्ट 2 लाख से 30 लाख लोगों का मर्डर किया। उससे 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड कहा जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप देख सकते हो। तो उस टाइम इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अगेंस्ट सपोर्ट किया, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस के लिए। पाकिस्तान ने सोचा कि इंडियन आर्मी तो उधर बिजी है बांग्लादेश में, तो हम लोग इधर अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये राजस्थान में लोंगेवाला साइड में अटैक किया। तो अभी फिलहाल मैं वो जगह पर जा रहा हूँ। मैक्सिमम लोग एक्चुअली यही साइड से आते हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट है, सारास्ती डाल है। तो चेक पोस्ट में जो ड्यूटी में है वो वेस्ट बंगाल के, तो थोड़ा देर बातचीत हुआ उनके साथ। तो मैं जिस साइड से आया उधर लोंगेवाला के लिए कोई चेक पोस्ट मिला नहीं मुझे, शायद बाद में बनेगा। तो यहाँ पे बाइक पार्क करके अंदर घुसते हैं। तो भाई पहुँच गए लोंगेवाला पोस्ट, जहाँ पे 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, जो वार पे बेस्ड करके मूवी बना था। मूवी का नाम है बॉर्डर, आपने तो जरूर देखा होगा। लोंगेवाला बैटल जो था यहाँ पर ही हुआ था 1971 4-5 दिसंबर। तो और यहाँ पे जो तैनात थे इंडियन आर्मी के वो थे 23 पंजाब रेजिमेंट के जो मेजर थे कुलदीप सिंह जी। उनको जब पता चला कि पाकिस्तान आके अटैक करेगा, तब उनके पास दो रास्ते थे, एक तो ये पोस्ट छोड़ के भाग जाओ और दूसरा तैनात रहो इधर, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सोल्जर्स थे और वो पूरा तैयारी के साथ आ रहे थे। दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला ये किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और डिसीजन लिया कि इधर ही रहना है और सामना करना है। और उसका नतीजा ये जो एरिया है ये इंडिया के पास है, नहीं तो आज ये उधर होता, हम लोग कहीं और आके पीछे कोई कहीं और जाके बॉर्डर देखते, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इधर बहुत सारे शेर व शायरी लिखे हुए हैं। अपनी आज़ादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। नहीं हुआ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बाबा बाबा ये जगह याद है, बॉर्डर मूवी में दिखाया था, एक लंबा रास्ता बनाया था जहाँ पे हमारे सोल्जर्स तैनात थे गन लेके। मैं अभी हूँ एक बंकर के अंदर। यहाँ पे वॉर के टाइम 2 से 3 सोल्जर्स तैनात रहते थे अपना मशीन गन लेके, उधर से आएगा खत्म सब, सैल्यूट सैल्यूट। तो उस टाइम इंडिया के सिर्फ 120 सोल्जर्स थे और 4 फाइटर एयरक्राफ्ट थे उस वॉर में, लेकिन पाकिस्तान के 2000 से 3000 सोल्जर्स थे और 30 से लेके 40 टैंक्स थे।
अब आप सोचो, इतने सारे सोल्जर्स, 3000 सोल्जर्स, उनको सिर्फ 120 सोल्जर्स ने रोक के रखा था पूरा रात, और सुबह फाइटर आके, फाइटर जेट आके सबको डूम 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 खत्म। तो इधर जितना सारा भी टैंक्स दिखाई दे रहा है, उधर है तो वो सब पाकिस्तान के हैं, जो जहाँ पे था वो अभी भी वही है, वो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये जो मेरे पीछे जीप देख रहे हो, इसको वैसे RCL जीप बोलते हैं, और मथुरा दास जी जो सोल्जर थे वो ये जीप चला रहे थे, और इससे पाकिस्तान का टैंक को फायर करके बूम ख़त्म कर दिया। यहाँ पे वैसे ऑडियो विजुअल शो होता है, वो कोविड की वजह से बंद है, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। और कैफ़े एक है जो अगर खुला है तो उधर जाके खाना खा के निकलूँगा, तनोत माता मंदिर। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सामान है, कैमरा वगैरह है, लैपटॉप है, तो वो सब रख के जाना थोड़ा रिस्क है, और वो सब लेके जाना भी मुश्किल है। सामान अगर नहीं होता ना तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता। लोंगे वाला एरिया एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, वो जो देख रहे हो उधर टैंक वगैरह है वो साइड में गया नहीं। पाकिस्तान के जो टैंक्स वगैरह है वो सब उधर सजा के रखा हुआ है, तो ये सब मेरा मिस हो गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे आने के बाद मैं अपना इंडियन होने पे और भी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं जो जो शहीद हुए सबको सल्यूट। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ तनोट माता मंदिर जाने के लिए, यहाँ से 37 किलोमीटर। ये सुपर्ब रोड है, सुपर्ब, लेकिन दिक्कत यही है, ढाबा वगैरह नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, पेट्रोल पम्प नहीं है, तो आज सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, और मेरा बाइक ने भी कुछ खाया नहीं। तो देखते हैं, मैंने सोचा कि लोंगेवाला में जो कैंटीन है वहाँ पे खाऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी कोविड की वजह से वो सब बंद है। क्या करूँ, जाओ उधर, 36 किलोमीटर है, 36 अभी समझ भी नहीं आ रहा मुझे। पेट्रोल तो है, रिजर्व में चला गया, और मेरे पास रिजर्व में एनफील्ड का आई थिंक 3 लीटर या 3.5 लीटर रहता है। एक कैलकुलेशन लगाते, यहाँ से तनोत माता मंदिर 35 किलोमीटर लिखा हुआ था उधर, 35 मतलब 40 मान लो, और मेरा ये माइलेज हाईवे पर देता है 40, तो 1 लीटर लगेगा तनोत माता जाने में, फिर वहाँ से 1 लीटर लगेगा तनोत माता से लोंगेवाला पोस्ट आने में, 2 लीटर चला गया और बचेगा 1 लीटर। तो 1 लीटर में फिर एक पेट्रोल पंप में जाना है मुझे, जहाँ से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो रेगिस्तान के बीचों बीच हम फंस गए हैं, बाइक स्टार्ट हो गया है इसलिए थोड़ा टेंशन कम है, लेकिन फंस तो गए हैं। अगर जो कैलकुलेशन किया है वो अगर सही है तो मुझे तनोत माता मंदिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ से, रिटर्न जा रहा हूँ मैं। अभी बस एक पेट्रोल पंप में पहुँच जाऊँ, 3 लीटर जैसा तो है पेट्रोल, पहुँच तो जाऊँगा। बस मुझे ये बुरा लग रहा है कि इतना नज़दीक आके मैं नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, हर बार सब कुछ अपना प्लान के हिसाब से नहीं होता है। तनोट माता मंदिर का एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बॉर्डर मूवी में भी ये मंदिर को दिखाया गया है। वो सामने देवी का मंदिर देख रहे हैं आप, मेरे साथ ही चाहते हैं कि आप इसमें हर रोज दिया जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि जितना सारा बॉम्ब्स पाकिस्तान द्वारा मंदिर के ऊपर गिराया गया था वो एक भी एक्सप्लोड नहीं हुआ। सारे बैरिक्स उड़ गए लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। आज भी वो सब बॉम्ब्स मंदिर के सामने एक म्यूजियम की तरह सजा के रखा है। त्रिपुरा। हाँ, आप लोग यहाँ के ही हो? गुजरात से आए हो? अच्छा, बाइक से? ये कितना दूर है यहाँ से गुजरात? सब लोग गुजरात से हो? बस वो माता का दर्शन करने के लिए हम करके आए। अच्छा, रामदेवड़ा जाने का, रनुजा। कहाँ? रनुजा। ठीक है, चलता हूँ। पहुँच गया हूँ मैं लोंगेवाला पोस्ट के पास, मैं सीधा आया था, अभी जाऊँगा लेफ्ट साइड। यहाँ पे जो चेक पोस्ट है यहाँ पे शायद एंट्री करवानी होगी। रामगढ़ 43 किलोमीटर यहाँ से, शायद रामगढ़ में पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल पंप कुछ है अच्छा सर?
তাবো পেট্রোল পাম্প না এটা তো কলকাতার গাড়ি আসছি স্যার বাই বাই जैसलमेर यहाँ से 103 किलोमीटर दूर है और मैं आज ऐसा एक जगह पर रुकने वाला हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो देखने से पता चलेगा आपको। ये एक अच्छा चीज़ हुआ मेरे साथ, मैं जब आया एक रास्ते से आया, अभी जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से, तो मैं दोनों रास्तों का मज़ा ले पा रहा हूँ मैं, और आपको भी यही करना चाहिए। लोंगे वाला पोस्ट में पानी भर लिया था मैंने, पानी ख़त्म हो गया था, मटका से भरा, लेकिन पानी टेस्ट सही नहीं है, अच्छा नहीं है। आप सोचो राजस्थान में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री के ऊपर जाता होगा और लद्दाख में -45, तो जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है, हर जगह इंडियन आर्मी रहते हैं, बॉर्डर के सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए। यहाँ पे एक अकेला तन्हा ऊँट खाना खा रहा है और उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए ताकि ये भाग के चला ना जाए। ये तो आपको पता होगा कैमल्स बिना पानी के 10 से 15 दिन तक रह सकते हैं, और एक रिसर्च के हिसाब से देखा गया है सहारा डिजर्ट में विंटर के टाइम 5 से 6 महीना तक बिना पानी के रहते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बॉर्डर रोड्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वार के टाइम स्पीड ब्रेकर, वार के टाइम सामान पहुँचाना, खाना पीना पहुँचाना, एम्यूनेशन पहुँचाना, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, अगर रास्ता ख़राब है ना तो बहुत दिक्कत होता है। और उस टाइम जो साइड सबसे जल्दी ये सब वॉर जोन में पहुंचा पाएगा वो साइड का ज़्यादा फायदा होगा। 2005-2007 तक इंडियन गवर्नमेंट का ये स्ट्रेटेजी था, बॉर्डर साइड में अगर रोड्स ही नहीं बनेंगे तो चाइनीज फोर्स अंदर कैसे आएंगे इंडिया के। तो इसका वजह से आसाम अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट साइड में जो बॉर्डर रोड्स है उस पर उतना काम हुआ ही नहीं। अभी थोड़ा गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी चेंज हुआ है, रिसेंटली आप देख रहे हो बहुत सारा टनल्स हुआ है लद्दाख में, तो अभी नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत ब्रिज और रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज आसाम में है, भूपेन हजारिका सेतु, जो रिसेंटली बना है। ओह शिट, ये ना ट्रक देखो क्या हालत कर रहा है, थू 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 सैंड लेके जा रहा है और पूरा एकदम फैला फैला के जा रहा है। थोड़ा इसको क्रॉस करना होगा, नहीं तो मुश्किल है, थोड़ा नहीं पूरा क्रॉस करना होगा। रामगढ़ पहुंच गया, यहाँ से जैसलमेर है 66 किलोमीटर। आर्मी ट्रक्स जा रहे हैं बहुत इधर। सर पेट्रोल पंप इधर कहाँ पे? आगे आएगा सारा 1 किलोमीटर। अच्छा, रामगढ़ एक प्रॉपर शहर है, यहाँ पे बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक सब कुछ है, ट्रैक्टर वगैरह सब इधर ही ठीक करवा रहे हैं, आर्मी ट्रक्स वगैरह इधर ही आ रहे हैं सब कुछ सामान खरीदने के लिए, आई गेस ठीक ठाक करने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए। और इधर बहुत सारे होटल्स है, पेट्रोल पंप 2-3 है बोला। आ गए आप पेट्रोल पंप, शांति मिला भाई शांति। कितना करके? 91। ये छुट्टा करवा देता हूँ 2000 रुपये, कल SBI से निकाला था। फास्ट फूड है, मैगी मिल जाएगा इधर। ये मैगी मिलेगा, मैगी है। ओके, सब कुछ सही छे। बात ये है कि मैं यहाँ पे खा रहा हूँ अपना फेवरेट मैगी, और मेरे पीछे जो देख रहे हो पेट्रोल पंप, आप बोल सकते हो कि ये इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है, क्योंकि इसके बाद ही आप सीधा चले जाओगे लोंगेवाला, उसके बाद पाकिस्तान। तो अगर आप जैसलमेर से यही रोड से आ रहे हो तो रामगढ़ में आके मिलेगा, और रामगढ़ के बाद कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं है। और अगर आप दूसरा वाला रोड से आ रहे हो, जिस रोड से मैं आया, वहाँ पे पेट्रोल पंप तो है ही नहीं, वहाँ पे आपको ब्लैक में ख़रीदना होगा और 10 रुपये ज़्यादा होता है दाम। और ये सूट कर रहा है मुझे, मुझे अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप के कपड़े पहन रहा हूँ। बाटी नहीं है क्या? गिर जाएगा ये, धोया हुआ है। ये गाड़ी कहाँ से? ये कोलकाता से आया हूँ, W भी लिखा हुआ है, तो बोल रहे वेस्ट इंडीज। कोई बात नहीं, कास्टा से डर भी तो रहे, होटल आ गया, फोई तो बात सही है, अच्छा हुआ है। चलो गाइस अब निकलते हैं, टाइम हो चुका है 4:30 और अभी भी मुझे और 88 किलोमीटर जाना है। तो हम फिर से आ गए हैं जैसलमेर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जैसलमेर फिर से क्यों आया,
तो आप सोचते रहो, थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। हाँ सर जी, मैं जैसलमेर पहुंच गया। अभी कहाँ पे हो, सिटी में? मैं पूछता हूँ भैया, ये कौन सा जगह है भैया? हिमान हनुमान आगे जैसे ये रोड है, थोड़ा सा गंदा रास्ता आता है। ठीक है, यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 17 किलोमीटर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं हूँ एक सुनसान सड़क पे, कोई रिसीव करने आने वाला है मुझे, और इतना अंधेरा है, इतना सुनसान है, मत पूछो कि कितना सुनसान है। पहले तो डर लग रहा था कि उधर जंगल, बगल में जंगल है, और एक अजीब सा ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो मुझे लगा कि पहले यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगा कोई दौड़ दौड़ के आ रहा है, ऐसा साउंड हुआ। तो फिर अभी बाइक का लाइट ऑन करके यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं। फॉग लाइट और इंडिकेटर जल रहा है, ये चारों तरफ का ये हाल है, एक लाइट भी नहीं है। ये एक्चुअली बाइक का लाइट है मेरा। वो जो साउंड था वो दूर था, अभी लग रहा है कि बहुत पास है, और ऐसा फील हो रहा है कि अगर उधर घास है, देखो मैं घुमाता हूँ बाइक, उधर ये है, तो ये जगह पे रुका हूँ मैं। वो डायलॉग याद है, खुश तो बहुत होंगे तुम, उसको थोड़ा रिमेक करके, फट तो रहा होगा तेरा। हाँ फट रहा है, इसलिए मैं कुछ बात कर रहा हूँ, नहीं तो बात नहीं करने से कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा, और किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो ये हमारा बाइक जो यहाँ पे अपना करतब दिखा रही है। भाई ये इंडिकेटर का देखो कितना पावर है। वो बंदा आ क्यों नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। और दूसरा फॉग लाइट, कुछ आ रहा है इधर।